अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या 31 दिसंबर 2020 के बाद सभी वीज़ा को, जो कि फ़िलहाल अभी यूई से बाहर हैं, फंसे हुए हैं रेजिडेंसी वीज़ा वाले, क्या उन सभी रेजिडेंसी वीज़ा वाले का वीज़ा जो है 31 दिसंबर 2020 के बाद कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर बाकी रखा जाएगा, इसी चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर तक यूई गवर्नमेंट ने ऑफर दिया है, परमिशन दिया है कि जो बाहर फंसे हुए हैं यूई से बाहर, वो लोग आ सकते हैं। लेकिन अभी जो है इस चीज को लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बाद जो लोग यूई से बाहर हैं रेजिडेंसी वीजा वाले, उन सभी का वीजा जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि 31 दिसंबर के बाद सभी रेजिडेंसी वीजा वालों का वीजा जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके का न्यूज़ रिपोर्ट आपको बहुत सारे वीडियोस में मिलेंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफिशियल कोई भी अपडेट जो है कि नहीं आई है। हाँ, यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जिनका वीज़ा जो है नियरली एक्सपायर बता रहा है, तो उनको चाहिए कि नियरली एक्सपायर यानी अभी एक्सपायर होने में कुछ दिन बाकी है, तो एक्सपायर होने से पहले पहले उनको चाहिए कि यूई आ जाए और उसके बाद किसी भी तरह अपना न्यू वीज़ा लगवा ले। अगर वीज़ा जो है कि एक्सपायर हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है आपको आने में, शायद आपको न्यू वीज़ा लेकर के आना पड़े। दूसरी बात ये कि अगर आपका वीज़ा एक्टिव रहता है, तो जब तक आपका वीज़ा एक्टिव रहता है तो तब तक आप आ सकते हैं। जब तक फाइल स्टेटस में आपका वीज़ा एक्टिव शो होगा तब तक आप आ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। जब आपका वीज़ा फाइल स्टेटस में आपका वीज़ा एक्सपायर दिखाएगा तब आपको न्यू वीज़ा लेकर के आना होगा। तो कहने का मतलब यही है कि 31 दिसंबर के बाद वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड ऑफिशियली कोई भी गवर्नमेंट की न्यूज़ अभी नहीं आई है।